सिर्फ बखान से ही राजनीति में आप अपना तो कायाकल्प कर सकते हैं लेकिन देश की जनता का कायाकल्प नहीं कर सकते नमस्ते मेरा नाम आदित्य है और आप सब ग पंचायत में स्वागत है अभी इस वक्त हम आरजेडी ऑफिस में बैठे हैं यहाँ पे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं इसे हम बात करेंगे आ, सर सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है बहुत धन्यवाद सर देश में विपक्ष की क्या भूमिका है देश देखिए देश में ही नहीं लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका है और लोकतंत्र में विपक्ष अगर मजबूत होता है तभी लोकतंत्र भी मजबूत रहता है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि जब सड़क और सदन खामोश हो जाए तो समझ लीजिए कि देश में राजनीत और लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी सदन को भी खामोश कर दिया है और सड़क को भी खामोश कर दिया है जिस कारण आज पूरे देश में देख रहे हैं लोकतंत्र का कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है और मजाक बनाने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है सर मंत्री रामसूरत राय का ये कहना है कि अगर बीजेपी ना होती तो आज आप सभी जिंदा नहीं होते जो कोविड का वैक्सीन आया रामसूरत राय जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वो जिंदा होने का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं तो जो कोविड के कारण भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार लगभग छः लाख लोग की मौत हुई और डब्ल्यू के अनुसार लगभग अड़तालीस लाख लोगों की मौत हुई तो क्या इन मौतों के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को ज़िम्मेवार माना जाएगा ये भी बताने का काम करें सिर्फ क्रेडिट नहीं लें अगर आप किसी की बखान कर रहे हैं तो उसका बुराई क्या है उसको भी स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारी सरकार के गलत रवैये के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण और जो समय पर इलाज होना चाहिए वो समय पर इलाज नहीं होने के कारण जो मौतें हुई हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेवार है इसकी जिम्मेवारी भी रामसूरत राय जी को स्वीकार करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं लेकिन ये बात उन्होंने नहीं बताया उस मीटिंग में ये नहीं बताया तो उन लोगों को पूछना चाहिए जो लोग उस समय मीटिंग में उपस्थित थे चूँकि उन लोगों के सामने अगर ऐसी बातें हो रही थी उनका बखान हो रहा था तो उनकी क्या कमियां थी उसका भी कहीं ना कहीं वर्णन होनी चाहिए सिर्फ बखान से ही राजनीति में आप अपना तो कायाकल्प कर सकते हैं लेकिन देश की जनता का कायाकल्प नहीं कर सकते देश की जनता का हित नहीं साध सकते हैं देश की जनता जिस तरह से कोविड कार्यकाल प्रथम और द्वितीय में तिल तिल करके बिना ऑक्सीजन के बिना खाने के बिना सोए हुए सड़कों पर मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेवारी अगर किसी को जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाती है नरेंद्र मोदी सरकार को जाती है सर भाजपा के कुछ नेता जदयू के कुछ नेता लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा की कहना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में 200 प्लस सीटें पर हम चुनाव लड़ेंगे तो क्या जे और बीजेपी की गठबंधन दो में रहेगी या जाएगी ये नूरा कुश्ती का खेल है देखिए सत्ता के लिए और स्वार्थ के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और सत्ता और स्वार्थ जिसके दिलो दिमाग पर छा गया है वो राजनीति को कहाँ पर ले जाके खड़ा करेंगे बिहार की जनता के हितों का कहाँ पर इन लोग संरक्षा करेंगे ये भी स्पष्ट करना चाहिए चूँकि 2025 से पहले बिहार की जनता चाहती है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को विशेष पैकेज बिहार में बढ़ती महंगाई पर लगाम बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है उसको ठीक करना और महिलाओं पर जो अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और जिस तरह से बिहार में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है इस पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो ये बिहार के लिए और बिहार की जनता के हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और इसका अगर कोई जिम्मेवार होगा तो डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार होगी सर बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में अगले 40 साल तक सिर्फ और सिर्फ रहेगी तो बीजेपी इसको कैसे देखते हैं आप देखिए मेरा तो ये मानना है कि अभी उन्नीस से 2022 अभी 38 साल इस पार्टी को जन्म के ही हुआ है और 40 साल की बात जो कर रहे हैं तो पहले अपना कार्यकाल तो 40 साल कर ले उसके बाद ही बात करें तो बेहतर रहेगा चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही मेरा नाम आदित्य है पंचायत देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद